Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey. Center of Gravity ka next video, jisme aaj hum padhenge Center of Gravity of Surface of Revolution. Isse pehla jo last topic tha wo tha Solid of Revolution. Kisi areas ko revolve karke jo solid ban raha tha, uske Center of Gravity humne detail mein padhi thi. Kuch numerical bhi maine aapko karaye the. तो आज का जो वीडियो है वो है सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है. सिर्फ सरफेस की बात करेंगे, वो जो सॉलिड होगा, जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये हॉलो होगा. सिर्फ सरफेस की बात करेंगे, उसमें हम उसके अंदर का पोर्शन भी ले रहे थे जब इससे पहला वीडियो हमने सॉलिड का किया था. तो आज क्या होगा, जैसे ये आर्क है ए बी, और इस ए बी आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है. इस पूरे एरिया को नहीं घुमाना है. पहले वीडियो में क्या था, हमने इस पूरे एरिया को घुमाया था. यहाँ पे आपको इस आर्क को सिर्फ घुमाना है, इसके बीच में कुछ नहीं है. तो इस आर्क को घुमा करके जो पूरा एक सरफेस बनेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है. क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी जो होती है उसकी, जिसके अबाउट वो बॉडी रिवॉल्व होकर के बन रही है, उसको हमने एक्सिस बोला था. और अगर वो जिस एक्सिस के अबाउट सरफेस बन रहा था उस एक्सिस के अबाउट ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही थी. तो अगर हम इस आर को एक्स के अबाउट घुमाएंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस में होगी. और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो. यानी कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वाई बार आएगा उसका फॉर्मूला या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. अब बात करते हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट की. तो उसके लिए हम फिर से उसी तरीके से पी क्यू पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ले लिए. तो अगर हम बात करें, और ये जो लेंथ है ये डेल एस हमने लेंथ ले ली यहाँ से यहाँ तक. अगर इस हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी होगी, वाई. अब जब ये इतनी लेंथ, ये जब पूरी आर्क घूमेगी तो इतनी लेंथ पी क्यू भी घूमेगी. तो हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट हमने पी क्यू लिया हुआ है, इस एलिमेंट्री पार्ट को जब हम एक्स के अबाउट घुमाएंगे तो वो जो सरफेस इतने पोर्शन से जो सरफेस बनेगा उसका सरफेस का एरिया निकालेंगे. पहले एक्स बार क्या होता था, एक्स डीएम अपॉन डीएम लिया था हमने. डेंसिटी अगर फिक्स्ड है तो रो हो गया. अब देखेंगे कि ये सरफेस कितना एरिया बना रहा है. जब ये सरफेस घूमेगा तो एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा, और वो सर्कुलर पोर्शन कितना घूमेगा, जितनी इस सर्कुलर पोर्शन की सर्कमफेरेंस होगी. और सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πy, रेडियस y हो गई. तो ये तो इसकी ये लेंथ होगी सर्कमफेरेंस, और उसकी उसको पूरे उसका मास अगर हमको निकालना तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और लेंथ कितनी है, डेल एस, जो कि इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगी, ds. और ऐसे अपॉन में क्या आ जाएगा, 2πy, रो डेंसिटी हो गई, इंटू ds. रो से रो कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल हो गया. तो x बार का फॉर्मूला हो गया x वाई डी एस अपॉन वाई डी एस का इंटीग्रेशन. ये हो गई एक्स बार की वैल्यू. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमको सिर्फ सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी. उस केस में अगर वो एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये फॉर्मूला लगेगा. अगर वाई एक्सिस है तो उस केस में एक्स बार जीरो हो जाएगा, और वाई बार के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई एक्स डी एस अपॉन एक्स डी एस. इतना चेंज आएगा. उस फॉर्मूले में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी मैं काफ़ी फॉर्मूले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये वाई एक्सिस के अबाउट है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट है. अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का. न्यूमेरिकल है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ जोन ऑफ अ स्फीयर. फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ जोन ऑफ अ स्फीयर. जोन ऑफ अ स्फीयर का मतलब है, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए ये स्फीयर है, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है सिर्फ, तो हम सिर्फ इस स्फीयर के सरफेस की ही बात कर रहे हैं. ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई. जोन ऑफ अ स्फीयर का मतलब क्या है, एक जो ये स्फीयर बन रहा है इसका एक छोटा सा पीस हमको लेना है. तो वो पीस हमने ले लिया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है. तो ये जो इतना पोर्शन बन रहा है, इतना जो इसके बीच में ये जो सरफेस बन रहा है, इस सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है.
इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, बी सी डी ई इसको ले लिया और बी डैश और सी डैश हमने इसको ले लिया। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम इसको इसकी जो जनरेटिंग, देखिए मैंने आपको बताया था स्फेयर कैसे जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉलो स्फेयर की बात हो रही है, सिर्फ सरफेस की बात हो रही है। तो अगर मैं सेमी सर्कुलर आर्क सिर्फ इतनी लेंथ को अगर घुमा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक जो स्फेयर है उसका सरफेस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमको इतने पोर्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो सिर्फ इस आर्क को हम अगर ऐसे घुमाएंगे एक्स के अबाउट, तो इतना पोर्शन बन जाएगा जिसकी हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो ये जो सर्कल बन रहा है, इसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं, क्योंकि रोटेशन एक्स के अबाउट है, तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। डी एस अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो वन प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए अपॉन वाई, ये किसकी वैल्यू हो गई, डी एस अपॉन डी एक्स। तो डी एस कितना आ जाएगा, डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए अपॉन वाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई डी एस की। बस एक्स बार का फॉर्मूला लगा लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, जो अभी बताया था मैंने, एक्स बार इक्वल टू था एक्स वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एस। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये लेंथ है ये बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, सी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, बी से सी, कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी है, तो लिमिट हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सी से बी भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ये लिमिट लेकिन एस की नहीं है, ये लिमिट है एक्स की, क्योंकि इसको बाद में हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो जब हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तभी लिमिट भी अप्लाई करते हैं इसकी। एक्स वाई डी एस की वैल्यू क्या है, ए अपॉन वाई डी एक्स अपॉन वाई ए अपॉन वाई डी एक्स। ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से सी, बी से सी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट इज बी टू सी अपॉन, इसका हो जाएगा एक्स बी टू सी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन सी माइनस बी। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसका, किसका, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सी प्लस बी, सी माइनस बी अपॉन टू इंटू सी माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस बी अपॉन टू। अभी आपको फॉर्मूले में भी मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक्स के अबाउट घूम करके हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो ध्यान रखिए पहले के जो इसका जस्ट पहला वीडियो था उसमें हमने सॉलिड की बात करी थी, और यहाँ पे सिर्फ हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यही डिफरेंस है दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल्स में। देखो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन राइट कोनिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अभी तक हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स किए हैं, हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक टॉपिक में अभी तक हमने जो डेंसिटी ली है वो यूनिफॉर्म ली है, इसीलिए हम रो से रो को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अगर डेंसिटी आपको कांस्टेंट नहीं दी होगी, यूनिफॉर्म नहीं दी होगी, तो फिर आप इन तरीके जो हम रो से रो कैंसिल कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, रो की भी वैल्यू रखी जाएगी फिर। तो फिलहाल डेंसिटी जो कांस्टेंट है उसके न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो कोनिकल शेल है तो इसका डायग्राम फॉर्म करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सपोज वी हैव अ कोन हैविंग जनरेटर ओ ए, दिस इज द जनरेटर ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड यूनिफॉर्म थिकनेस। इस जनरेटर ओ ए को हम क्या करेंगे, ऐसे इधर लेकर के आएंगे और इसी तरीके से पीछे लेकर के जाएंगे, तो हमको एक कोनिकल शेल मिल जाएगा।
और सपोज ये जो कॉनिकल शेल बना है इसका ये जो एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल बोला जाता है इसको, ये अल्फा है, और इस कॉनिकल शेल की हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो क्योंकि यहाँ मेजरमेंट आपको कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो इसको हम एच मान लेते हैं, आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है तो हमको जो स्मॉल लेंथ लेनी पड़ेगी वो हमने ये ले ली, पी क्यू एम एन, ये एक्स वाई हो गया और ये स्मॉल लेंथ की हो गई डी एस। सिर्फ ये लाइन घूम रही है और इस लाइन को एक घूमने से जो सरफेस बन रहा है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी है, ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि एक्स के अबाउट ये घूम रहा है तो वाई बार तो फिर से जीरो हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट हमको सिर्फ निकालना है। अगर हम बात करें एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो किसी सर्टेन एंगल पे, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, क्योंकि ओ ए इसका जनरेटर है, जैसे हमने देखा था पहले वाले केस में एक छोटे से आर्क उसको जनरेट कर रही थी। तो जनरेटिंग डायग्राम हमको देखना है कि जनरेटिंग डायग्राम है क्या, क्योंकि लाइन यहाँ पे जनरेटर है। तो इसे लाइन की इक्वेशन हम बात करें तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम एक्स, और एम इसका क्या हो जाएगा, स्लोप, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा एंगल है तो टैन अल्फा इसका स्लोप हो जाएगा, एम की वैल्यू हो जाएगी। इससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, एम आ जाएगा। अब डी एस अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर। तो डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट वन प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। सो द वैल्यू ऑफ एक्स बार, द फॉर्मूला फॉर एक्स बार इज इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एस इफ द लाइन रोटेट्स अबाउट द एक्स एक्सिस। तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू जो हमने ली थी वो क्या थी, एम एक्स ली थी, तो वाई की जगह पे एम एक्स ले लेते हैं और डी एस की जगह पे रूट वन प्लस एम स्क्वायर डी एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट वन प्लस एम स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट एक्स के लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जीरो से लेकर के ये जो लेंथ है, क्योंकि पूरी लेंथ जो है उस लेंथ की अगर हम बात करें तो हमको टोटल लेंथ जो निकालनी पड़ेगी इसमें। सपोज इस एच को हाइट ना मान करके मैं इसकी जो हाइट है वो रेडियस जो है वो आर मान ले रहा हूँ, और सपोज यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है उसी को एच मान लें हम। तो ये लेंथ अगर एच है तो इसका मतलब इसका जो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो एच कॉमा जीरो हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में कोई मेंशन यहाँ पर नहीं है, तो एच की जगह पर आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जीरो से एच, जीरो से एच। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब अपॉन थ्री जीरो टू एच, और यहाँ आ जाएगा एक्स जीरो टू एच, एम एच क्यूब अपॉन थ्री, और एच हो गया, एच से एक एच कैंसिल होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एम एच स्क्वायर अपॉन थ्री। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर की, सॉरी एक्स बार की। अब अगर हम बात करें सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई कि मैंने सिर्फ डी एस की वैल्यू रखी है, वाई की वैल्यू क्या थी, एम एक्स, वो वैल्यू यहाँ पे छूट गई है। तो ये एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एक्स आ रहा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन टू। तो एक एच स्क्वायर से कैंसिल होगा तो सिर्फ एच बचेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा टू बाय, एम भी कैंसिल हो गया था, टू बाय थ्री एच। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स बार की, और जैसा कि पहले ही आपको बता दिया मैंने क्योंकि एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस में लाई करेगी, तो इसका वाई बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं मैंने आपको बताया आज के वीडियो में, इस टाइप के इससे रिलेटेड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व करें। किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।